अरे मेरी प्यारी हल्क बस्टर और स्पाइडरमैन की फैमिली, मैं तो यही चाहता हूँ जिंदगी भर हमारी जन्म जन्म तक ये दोस्ती बरकरार रहे। अरे हाँ बिल्कुल गाइस, मेरी लावा हल्क बस्टर की फैमिली, जिसमें कि मेरे भैया, मेरे पापा, मेरी मम्मी और स्पाइडरमैन की फैमिली, उसकी मम्मी और वो प्यारा सा बच्चा, हम सभी साथ में मिलके रहते हैं। और आज ये ट्रेडमिल हम सभी की फैमिली यूज करने जा रही है एक दूसरे को और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए और साइज बढ़ाने के लिए। बिल्कुल मेरे बच्चे, बहुत मजा आएगा। अरे हाँ, काफी मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। अरे हाँ, बहुत बढ़िया, मजा आने वाला है। अरे बिल्कुल, तो चलो सबसे पहले यहाँ पर स्पाइडरमैन का बच्चा साइज बढ़ाएगा। अरे रुको रुको, अरे मेरी बात तो सुनो। ओ मैं हूँ सन एलिमेंटल स्पाइडरमैन। ओ माय गॉड, ये क्या, अरे बाप रे, ये कौन है? अरे ये तो सन एलिमेंटल स्पाइडरमैन है। मेरी बात सुनो स्पाइडरमैन की फैमिली, और तुम लोग मुझे अपनी फैमिली का लीडर बना लो। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, आप बन जाओ हमारी फैमिली के लीडर। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं यहाँ पर तुमको, यहाँ पर हल्क बस्टर की फैमिली के साथ साथ पूरी फैमिली को सबसे बड़ा ताकतवर बना दूंगा। और लेकिन ऐसे सही नहीं है, हम किसी अजनबी को अपना लीडर नहीं बना सकते। बिल्कुल सही कहा, मुझे बस बदले में ये वाला ट्रेडमिल चाहिए, मैं अपना साइज बढ़ा लूँ क्या? अरे बिल्कुल बढ़ा लो बढ़ा लो। ओह नो मम्मी, रोकिए ना, ये तो सन एलिमेंटल स्पाइडरमैन अपना साइज बढ़ा रहा है, चूंकि हमारी फैमिली के लिए होना चाहिए था। अरे बिल्कुल, ये तो गलत है। ओए स्पाइडरमैन हट जा माय टर्म्स। अबे तू कौन होता है हल्क बस्टर मुझे रोकने वाला? ओए एलिमेंटल स्पाइडरमैन की फैमिली मेरे साथ है। अरे हाँ हम आपके साथ हैं, देखिए देखिए, ये तो 5000 करोड़ साइज के टाइटन एलिमेंटल सन स्पाइडर गॉड बन गए। ओह माय गॉड, ये तो गलत हो गया गाइस, मुझे नहीं लगता है हमारी फैमिली के लिए अच्छा करेगा। चलो मेरी स्पाइडरमैन की फैमिली, अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर बना देता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा स्पाइडरमैन ताकतवर परिवार। अरे बिल्कुल मजा आएगा। अरे हाँ काफी मजा आएगा। नहीं प्लीज गाइस, ऐसा मत करो, हमारी फैमिली की दोस्ती सदियों से चली आ रही है, और ये पता नहीं कहाँ से सन एलिमेंटल स्पाइडरमैन आ गया और तुम लोगों को यहाँ पर हमारे खिलाफ कर रहा है। प्लीज हमारी बात मान लो। गाइस मैं क्या करूँ, आप लोग प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ही अच्छा है। अरे बाप रे, ये क्या, हम तो बड़े ही नहीं हुए। अरे मेरी फैमिली, सबसे पहले यहाँ पर हल्क बस्टर की फैमिली को मारो, तब जाके मैं तुम्हें बड़ा कर दूंगा। ठीक है ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। अरे नहीं, ये क्या कर रही हो बहन, मुझे क्यों मार रही हो? व्हाट, मेरी मम्मी को मार रही है ये स्पाइडर वुमन, ऐसा नहीं हो सकता प्लीज। और नहीं स्पाइडर वुमन, तू ऐसा नहीं कर सकती। अरे मैं ऐसा ही करूंगी, हमारी फैमिली ज्यादा ताकतवर है, तुम तो गरीब हो गरीब। अरे नहीं, कोई बचाओ मुझे। गाइस ये क्या हो रहा है लिटरली में, भाई साहब यहाँ पर हम इतने शांति से सुकून से रहा करते थे, और लिटरली में उस स्पाइडर गॉड के बच्चे ने लिटरली में हमारी फैमिली के बीच में क्या खतरनाक लड़ाई करवा दी। अरे बाप रे, मेरे को ही मारा। अरे मारो मारो, मुझे तो लगता है गाइस उसने ना इनके ऊपर कोई इविल वाला जादू कर दिया है। अरे बिल्कुल बच्चे, हा हा हा, अब ये मेरे वश में, जो मैं बोलूंगा ये करेंगे, मुझे यहाँ पर इनको ठीक करना होगा। अरे बाप रे मम्मी, उठिए ना। है ये क्या, मम्मी को क्या हो गया? अरे देख देख, तेरी मम्मी ऊपर वाले के पास चलेगी, तू भी जल्दी जाएगा। अरे हाँ बिल्कुल, मर गई तेरी मम्मी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और बाप रे, मेरी प्यारी बीवी मुझे छोड़ कर चले गए। भैया मेरे छोटे भाई, हमारी मम्मी अभी इस दुनिया में नहीं रही। ये क्या हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। बिल्कुल सही कहा, यह सब उस सन एलिमेंटल स्पाइडर गॉड की वजह से हुआ है, उसने यहाँ पर हमारी स्पाइडर फैमिली जो कि हल्क बस्टर के परिवार थी उसको हमारे खिलाफ कर दिया। हमें यहाँ से जाना होगा, वरना ये लोग हमें भी बहुत जल्दी यहाँ पर मार देंगे। चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन पापा जी हम कहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ पर बदला नहीं लेंगे क्या अपनी मम्मी का? बिल्कुल लेंगे मेरे बच्चों, ये देखो यहाँ पर एक ट्रेडमिल है, इस तरह के 4-5 ट्रेडमिल्स पूरी दुनिया में, हमें बस उनको खोजना है और उनको पाकर अपना साइज बढ़ाना है। बिल्कुल मेरे छोटे भाई, जल्दी जा और जाकर अपना साइज बढ़ा, उसके बाद तू यहाँ पर हमारी फैमिली का काफी ताकतवर मेंबर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सब में सबसे ज्यादा छोटा तू ही है, तुझे ज्यादा खतरा है यहाँ पर किसी के लड़ाई का या पिट जाने का। बिल्कुल सही कहा भैया, मैं भी यहाँ पर अपने भैया की तरह और पापा की तरह ताकतवर बनूंगा और स्पाइडर एलिमेंटल गॉड को छोड़ूंगा नहीं, और यहाँ पर स्पाइडरमैन की फैमिली को वापस लेकर आऊंगा। भागो 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 और स्पीड में भागो। गाइस आप लोग प्लीज जल्दी वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब। ये देखिए क्या बात है, लावा हल्क बस्टर की फैमिली भी अब कुछ कम नहीं है, मेरा साइज भी 2000 हो गया, और देखिए पापा भैया मैं यहाँ पर कितनी सही जंप लगा पा रहा हूँ। बिल्कुल मेरा बच्चा, तेरी मम्मी ऊपर वाले के पास से तुझे देख रही होगी और बहुत खुश हो रही होगी, तू चिंता मत कर, तेरी मम्मी की आत्मा को हम शांति जरूर दिलाएंगे। बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेडमिल था, अब हम आगे क्या करेंगे? पापा को बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेडमिल के बारे में पता है। चलो मैं तुमको असल में यहाँ पर एक गार्डन की तरफ लेकर चलता हूँ, मुझे यहाँ पर एक और स्पेशल ट्रेडमिल के बारे में पता है, जो अगर हमारी फैमिली को मिल गया तो हमारी फैमिली बहुत खतरनाक हो जाएगी। अरे बाप रे, पापा जी बताइए अब क्या करना है। बिल्कुल पापा जी, अब आगे हमें क्या करना है? मेरे बच्चों, इस गार्डन के ऊपर एक बहुत बड़ा एरोप्लेन है, जो यहाँ पर कुछ स्कैबडीज ने कुछ महीनों से किडनैप कर रखा है, हाईजैक कर रखा है। व्हाट, और ये एरोप्लेन हवा में कैसे अटका पड़ा है? ये स्कैबडीज की ताकत की वजह से। इस एरोप्लेन की खास बात यही है कि स्पेशल आइस एलिमेंटल खतरनाक ट्रेडमिल है, वो बर्फ
क्राफ्ट में जमा देता है अगर कोई भी उसके करीब जाए, लेकिन हमारी फैमिली लावा की है तो तुम लोग अपना साइज बढ़ा सकते हो। क्या सच में? अरे तो फिर तो मैं जल्दी जाऊंगा। गाइस लावा हल्क बस्टर होने का फायदा है, वो ट्रेडमिल कोई और यूज नहीं कर सकता, ना कि इसकी बड़ी, बट हम कर लेंगे क्योंकि वो ट्रेडमिल हमें बर्फ में जमाने की कोशिश करेगा, तो हमारी बॉडी लावा से बनी है। लेकिन ये क्या, मैं तो उड़ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर आराम से अपने आप को टेलीपोर्ट करके ऊपर जा सकता हूँ। व्हाट भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप प्लीज मुझे साथ लेके चलिए। नहीं भाई, तुझे खुद करना होगा ये। अरे नहीं गाइस, मेरे भैया मुझसे ज्यादा सुपीरियर है, वो तो मुझे छोड़ के चले गए। गाइस मैं यहाँ पे हार नहीं मानूंगा। आइडिया, मैं लावा हल्कबस्टर हूँ, मैं यहाँ पर क्यों ना अपने पैरों में अपनी पूरी बॉडी में आग लगा लूं और उसके बाद उस आग को बूस्टर में बदल के सुपर स्पीड से हवा में उड़ जाऊं। अरे वाह मेरे बच्चे, तू बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत कमाल कर रहा है। अब देखिएगा पापा, मैं किस तरह से भैया को पीछे छोड़ के अपना साइज बढ़ाऊंगा और यहाँ पर स्पाइडरमैन की फैमिली को बचाऊंगा उस बंदे से, स्पाइडर गॉड से। वाह, मेरी जो फायर है वो बूस्टर में बदल गई और मैं अच्छे से उड़ पा रहा हूँ, क्या बात है। चलिए गाइस, अब जल्दी से इस बूस्टर को खत्म होने से पहले हम प्लेन पे पहुंच जाते हैं और उस आइस एलिमेंटल ट्रेडमिल भागते हैं। और इसकी बड़ी इस ट्रेडमिल पे कैसे अपना साइज बढ़ाएं, तुम लोगों के बस की नहीं है। बिल्कुल सही कहा, हम अपना साइज बढ़ाएंगे, मेरा भाई या फिर मैं, तुम निकलो यहां से। वाह मेरे भैया तो कमाल है गाइस, कैसे उसके बड़ी के बच्चे को नीचे गिरा दिया, बहुत बढ़िया भैया, सबकी बैंड में आ दो। और इसके बड़ी तुमको छोड़ेंगे नहीं, और इसके बड़ी मेरे को कुछ बताइए, मेरे को मारता है तू, रुक तेरे को बताता हूं मैं अभी। गाइस मेरे पास एक प्लान है, जितने भैया यहां पर इसके बड़ी से लड़ रहे हैं क्यों ना मैं चुपचाप जाकर अपना साइज बढ़ा लूं। अरे नहीं भाई, ऐसा सोचना भी मत, ट्रेडमिल पर साइज तो सिर्फ से मैं बढ़ाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब इतनी आसानी से कहां, ये क्या, ओ माय गॉड भैया बचिए, सामने एक मिनट, ये कौन है, कहीं वो बच्चा इतना बड़ा हो गया क्या? अरे नहीं नहीं, ये मेरे बड़े भैया है, असल में यहाँ पर सन स्पाइडरमैन की फैमिली बड़ी हो रही है। यार वो तेरा बड़ा भाई नहीं है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तुझे याद है बचपन में हम कैसा खेला करते थे बच्चे? गाइस प्लीज कमेंट में लिखिए। बकवास बंद कर, मेरे बड़े भैया तेरी बैंड बजाने के लिए आए हैं समझा, वो ट्रेडमिल हमारी फैमिली को चाहिए। नहीं, वो फैमिली तुम्हारी नहीं, मेरी फैमिली होगी जो ट्रेडमिल भागेगी, क्योंकि यहाँ पर तुम तो पिघल जाओगे। अब बकवास बंद कर, देख तो सही, तुम यहाँ पर लावा हल्क बस्टर हो तो हम यहाँ पर सन एलिमेंटल स्पाइडरमैन की फैमिली है, हम तुमसे भी ज्यादा गर्म है, हमको वो ट्रेडमिल चाहिए, हमारे लिए वो बढ़िया फिट बैठता है। हम तुझसे डरते नहीं है समझा, सन एलिमेंटल स्पाइडरमैन मेरा भाई और यहाँ पर मैं मिलके तुम्हें हरा देंगे। अच्छा ऐसी बात है, रुक तेरे को पकड़ता हूँ। अरे बापरे मुझे फेंक दिया, भैया आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं मेरे भाई, एक काम कर, मैं इन लोगों को रोकता हूँ, तू अपना साइज बढ़ा। अरे रुको, तुम लोग अपना साइज बिल्कुल नहीं बढ़ा पाओगे, अभी बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस सुपर गन को ना तेरे बड़े भाई पे यूज करता हूँ, उसको नीचे गिरा देता हूँ। नहीं नहीं ऐसा मत करना। ओ नो मेरे भाई, तुझे साइज बढ़ाना होगा अपना। अरे चलो बकवास बंद करो, मैं अपना साइज बढ़ाऊंगा। ये क्या गाइस, ये स्पाइडर बेबी तो लिटरली में मेरे भाई को नीचे गिरा दिया। बट मुझे चिंता नहीं है मेरे भाई की, मेरा भाई ठीक ही होगा, वो लावा हल्क बस्टर है, ऐसे छोटी मोटी चोट से कुछ नहीं होने वाला। बहुत जल्दी हमारी फैमिली यहाँ पर 9000 करोड़ को टच करेगी, ये देखो देखो हम तो भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। गाइस एक मिनट, ये तो मेरा ट्रेडमिल यूज कर रहा है, बातों बातों में मुझे ध्यान ही नहीं आया। अरे देख 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 मैं कितना बड़ा हो गया, ओ माय गॉड इसके पीछे तो क्लॉज भी निकला है, ये तो लिटरली मैं कॉस्मिक एलिमेंटल स्पाइडरमैन बनता जा रहा है। बनता क्या जा रहा हूँ, मैं बन गया हूँ, अभी बताता हूँ तेरे को गाइस, ये शायद जानता नहीं है मैं लावा हल्क बस्टर हूँ, इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे भाई को प्लेन से नीचे गिराया था, मैं भी गिराऊंगा। अरे अरे बड़े भैया बचाओ मुझे। अब मेरे भाई को मारता तू बचेगा नहीं। गाइस इसके बड़े भाई को पीटने के लिए आइडिया, मैं यहाँ पर जल्दी से अपना साइज बढ़ा लेता हूँ, मैं यहाँ पर अपने साइज को कर लेता हूँ 2000 से सीधा 70,000 और मजा आ जाएगा। भागो 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 और तेजी में भागो 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 भागो। वाह तो सच में 70,000 का यहाँ पर जायंट लावा हल्क बस्टर बन चुका हूँ। अब भाई ये इतना बड़ा कैसे हो गया? अबे गाइस मैं पूरे प्लेन को उठा लूंगा, ये सुपर किक अटैक, और यहाँ पर ये उठाया पूरा प्लेन, अब नीचे गिर जाऊंगा मैं, लेट्स गो। भाई साहब मैं तो हल्क बस्टर हूँ, मैं तो आराम से हवा में उड़ सकता हूँ, बट ये मकड़ा क्या करेगा, इसको तो हवा में जाला फेंकने भी नहीं मिलेगा। अब छोड़ मेरे को, मेरी बहुत बेइज्जती कर ली तूने, मैं तेरी फैमिली को छोड़ूंगा नहीं, मेरे पापा तेरी बैंड बजाएंगे। ओ तो असल में ये उसका बेटा है जो सन स्पाइडर गॉड है। कोई नहीं गाइस, एक मिनट, मेरे मम्मी पापा कहाँ गए, भैया कहाँ गए? मम्मी तो है ही नहीं, लेकिन भैया और पापा कहाँ पर गए? अरे नहीं मेरी तो हालत खराब हो गई पापा जी, मैं उठ नहीं पाऊंगा। मेरा बच्चे वो चिंता मत कर, तेरा छोटा भाई आ गया, देखो कितना बड़ा हो गया। अरे वाह मेरे भाई, तू काफी बड़ा हो गया। बिल्कुल भैया, पापा जी आप चिंता मत कीजिए। एक मिनट यार, चिंता करने वाली बात तो है, क्योंकि मैं जो यहाँ पर आ चुका हूँ, तुमने मेरे बेटे को मारा, अब तुम लोग बचने नहीं वाले हो, मैं तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। इससे पहले कि गाइस ये कुछ करे, मुझे भैया को और पापा को बचाना पड़ेगा। अरे चल 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 बकवास बंद कर, अब तुम किसी को नहीं बचा पाओगे, तुम तो मरने जाओगे, मरने मजा ही आ जाएगा। गाइस यार एक तो यहाँ पर लिटरली मैं भाई स्पाइडरमैन की फैमिली को उसने अपने वश में कर रखा है। ओ माय गॉड ये क्या, मेरा बच्चा यहाँ से भाग जा, ये मुझे मार देगा, मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा। बिल्कुल मेरे भाई चल चला जाए यहाँ से। सुना नहीं तूने,
जा चला जा अपने फैमिली को मरते छोड़ते चला जा, जा डरपोक चला जा। नहीं जाऊंगा मैं। अरे बाप रे, तो ले मार मेरी सन एलिमेंटल लेजर से मार। मुझे माफ कर दीजिए भैया, पापा मैं आपको नहीं बचा पाया। मेरे बच्चे मेरी बात सुन, तुझे अगर बदला लेना है अपने भैया का और साथ साथ में अपनी मम्मी का, तो यहाँ पर तुझे हमारे फैमिली के घर पे वापस जाना होगा। लेकिन ऐसा क्यों? असल में वहां पर तुझे जमीन खोदनी होगी कम से कम 7 से 8 फीट, उसके अंदर तुझे दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रेडमिल मिलेगा। वो ट्रेडमिल मैंने यहाँ पर कभी भी किसी को नहीं बताया था, इवन मैंने वो अपनी खुद की फैमिली से छुपा के रखा था। उस ट्रेडमिल से तू यहाँ पर सीधा टाइटन हल्क बस्टर बन जाएगा, लव हल्क बस्टर, फिर यहाँ पर तू बदला ले पाएगा। व्हाट? अबे ये तो मुझे पता ही नहीं था। उससे पहले कि तेरा बच्चा वहां पर जाएगा, मैं उस ट्रेडमिल को ले लूंगा। एक मिनट, ही तो गड़बड़ हो गई, इसने भी सुन ली। मेरे बच्चे जल्दी जा, अभी भी टाइम है। अरे बाप रे, पापा आप चिंता मत कीजिए, आप प्लीज बस कुछ टाइम के लिए जिंदा रह लीजिए और भैया को यहाँ पर बचा के रखिए। मैं जाता हूँ अभी के अभी छुटकियों में और उस ट्रेडमिल को जमीन से बाहर निकालता हूँ और अपना साइज बढ़ाता हूँ। बकवास बंद कर दिया, मैं तुझे वहां नहीं पहुंचने दूंगा। अरे बाप रे गाइस, अब मुझे रियली में अपनी लावा हल्क बस्टर स्पीड से वहां पर आगे जाना पड़ेगा। ओ नो यार, मुझसे पहले तो ये भाग गया। ओ भाई हेलो, रुक जा गाइस। ओके, वो बेशक यहाँ पर भाग गया था, बट मैं यहाँ पर अपनी सुपर स्पीड से भाग गया और यहाँ पर आ गया। गाइस वो लिटरली मेरे सामने ही है, आ ही रहा है। काम करता हूँ, जल्दी से बड़ी सी ड्रिल मशीन निकालता हूँ और यहाँ पर जमीन को खोदते हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस, बस मैं यहाँ पर लिटरली में पहुंचने वाला हूँ उस ट्रेडमिल के पास। अब रुक जा बच्चे, मैं आ रहा हूँ। ओ नो यार, वो सन एलिमेंटल स्पाइडरमैन मेरे बिल्कुल पास आने वाला है। कम ऑन, अरे मैं तो थक गया, कम ऑन निकल जा। फाइनली गाइस, मुझे लगता है यहाँ पर मुझे वो बड़ा वाला ट्रेडमिल, स्पेशल ट्रेडमिल बाहर निकलने लगा है। देखिए क्या बात है, यहाँ पर देखिए रोशनी निकल रही है, इसका मतलब मैं क्लोज हूँ, यहाँ पर ट्रेडमिल निकलने वाला है। लेट्स गो। हमने इतने नीचे से 7-8 फीट खड्डे में छुपे उस ट्रेडमिल को बाहर निकाल लिया है। अब एक काम करते हैं, जल्दी से ट्रेडमिल भागना स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, ओ भाई साहब ये तो बहुत स्पीड में आ रहा है। चल अच्छा हुआ बच्चे, तूने मेरे लिए काम कर दिया, यहाँ पर तब तक मैं आया तूने ट्रेडमिल निकाल दिया। अब चुपचाप यहाँ पर जा और कहीं जाके डूब के मर जा, तू अपनी फैमिली तक को नहीं बचा पाया तो यहाँ पर मुझे क्या आ रहा है। अब मैं यहाँ पर ट्रेडमिल से अपना साइज बढ़ाऊंगा। नहीं 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 नहीं, साइज तो मैं बढ़ाऊंगा। भागो 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 भागो, अभी मेरा साइज 70,000 है, बट अब साइज मेरा 9,00,000 होने वाला है। 9,00,000 नहीं, अब भाई 10,000 करोड़ करेंगे हम सीधा। अब ये क्या कर रहा बच्चा? तो फाइनली गाइस, मेरे पापा ने बिल्कुल सही कहा था, मुझे तो एक बार को यकीन भी नहीं हुआ था कि हमारे पास इतना अच्छा स्ट्रेट मिले जिसके इस्तेमाल से मेरा साइज 10,000 करोड़ का लावा हल्क बस्टर साइज बन सकता है। बट अब गाइस, यहाँ पर मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए इस सन एलिमेंटल स्पाइडर गॉड की बैंड बजाऊंगा और इसको मैं स्पाइडर भीगी बिल्ली बना दूंगा। तेरा बस के कुछ नहीं है। अच्छा गाइस, आप सभी जानते हैं मैं हल्क बस्टर हूँ भाई, मैंने हल्क तक की यहाँ पर कितनी बार बैंड बजाई है, तो सुपर हल्क बस्टर पंच अटैक स्मैश। अब ये क्या कर रहा है, मार दिया मेरे को, बचाओ मुझे। अबे मेरी हालत खराब कर दी बच्चे, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, वापस आऊंगा, तेरे को मैं वापस आने लायक छोड़ूंगा भी नहीं। फाइनली गाइस देखिए, हमने यहाँ पर इतने बड़े सन एलिमेंटल स्पाइडर गॉड की बैंड बजा दी। लेकिन एक मिनट, मैं तो भूल ही गया, अभी मुझे यहाँ पर स्पाइडरमैन की फैमिली को भी ठीक करना है। आइडिया, मैं यहाँ पर रिवर्स मैजिक इस्तेमाल करता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग ठीक हो जाओगे। अरे वाह मेरे भाई वाह, तूने कमाल कर दिया, वाह मेरे बच्चे, यहाँ पर तूने स्पाइडरमैन की फैमिली को भी बचा लिया और हमको भी। गाइस फाइनली, अब मेरी मम्मी को यहाँ पर उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। बाकी आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।